Genius Kids. Cultivating love for learning. अध्याय 17, पत्र लेखन, लेटर राइटिंग. पत्र की भाषा सहज, सरल और स्पष्ट होनी चाहिए. वाक्य अपने आप में पूर्ण और छोटे छोटे होने चाहिए. आलंकारिक भाषा से बचना चाहिए तथा पत्र में उपयुक्त शिष्टाचार का निर्वाह होना चाहिए. पत्रों के विविध प्रकार, काइंड्स ऑफ लेटर्स, पत्रों को मुख्यतः निम्नलिखित तीन प्रकारों में बांटा जा सकता है. क, वैयक्तिक व्यक्तिगत पत्र. ख, प्रार्थना पत्र अथवा आवेदन पत्र. ग, सार्वजनिक पत्र. क, वैयक्तिक व्यक्तिगत पत्र. पर्सनल लेटर्स, किसी व्यक्ति द्वारा जो पत्र अपने सगे संबंधियों और मित्रों आदि को लिखे जाते हैं, उन्हें वैयक्तिक पत्र कहा जाता है. ये वैयक्तिक पत्र भी कई प्रकार के होते हैं, जैसे कुशलता पत्र, निमंत्रण पत्र, संवेदना पत्र, बधाई पत्र आदि. इन वैयक्तिक पत्रों का संक्षिप्त परिचय इस प्रकार है. एक, कुशलता पत्र, स्किल लेटर, जो पत्र अपनी कुशलक्षेम अपने मित्रों अथवा संबंधियों तक पहुंचाने हेतु लिखे जाते हैं, उन्हें कुशलता पत्र कहा जाता है. दो, निमंत्रण पत्र, इनविटेशन लेटर, जिन पत्रों में किसी उत्सव आदि में सम्मिलित होने का अनुरोध किसी से किया जाता है, उन्हें निमंत्रण पत्र कहा जाता है. तीन, संवेदना पत्र, लेटर ऑफ कॉन्डोलेंसेस, किसी व्यक्ति के संबंध में शोकसूचक समाचार मिलने पर उसके प्रति सहानुभूति प्रकट करने तथा सांत्वना देने के लिए जो पत्र लिखे जाते हैं, उन्हें संवेदना पत्र कहा जाता है. चार, बधाई पत्र, ग्रीटिंग लेटर, किसी व्यक्ति के संबंध में प्रसन्नता पूर्वक समाचार मिलने पर उसके प्रति अपनी प्रसन्नता प्रकट करने के लिए जो पत्र लिखे जाते हैं, उन्हें बधाई पत्र कहा जाता है. खर, प्रार्थना पत्र अथवा आवेदन पत्र, एप्लीकेशंस, जिन पत्रों में किसी अधिकारी अथवा संस्थान के मालिक आदि से नौकरी, शुल्क में छूट इत्यादि देने की प्रार्थना की जाती है, उन्हें प्रार्थना पत्र अथवा आवेदन पत्र कहा जाता है. ग, सार्वजनिक पत्र, पब्लिक लेटर, जो पत्र समाज के कल्याण के लिए किसी अधिकारी इत्यादि को लिखे जाते हैं, उन्हें सार्वजनिक पत्र कहा जाता है. जैसे संक्रामक रोगों की रोकथाम के लिए चिकित्साधिकारी को पत्र, नगर में शांति व्यवस्था बनाए रखने के लिए पुलिस अध्यक्ष को पत्र इत्यादि. हम उपर्युक्त प्रकार के पत्रों के कुछ उदाहरण यहाँ दे रहे हैं. इनके आधार पर आप इसी प्रकार के अन्य पत्र लिखने का अभ्यास कर सकते हैं. का, वैयक्तिक पत्र. एक, वाद विवाद प्रतियोगिता में प्रथम आने पर मित्र को बधाई पत्र. 11/45, द्वारिकापुरी, नोएडा, दिनांक, प्रिय मित्र मोहित, नमस्ते. तुम्हारी माता जी से पता चला कि तुमने अपने स्कूल की वाद विवाद प्रतियोगिता में प्रथम स्थान प्राप्त किया है. मुझे बहुत खुशी हुई. मोहित, बोलने की कला में तो तुम पहले ही निपुण थे. तुम्हारे स्पष्ट उच्चारण एवं भाषा के आविष्कार ने ही आज तुम्हें यह स्थान दिलाया. इस उपलब्धि पर मेरी ओर से तुम्हें हार्दिक बधाई. हम सभी को तुम पर बहुत गर्व है. उपलब्धि ने सीना चौड़ा कर दिया. मित्र, इसी प्रकार तुम जीवन में उन्नति करते रहो, यही ईश्वर से प्रार्थना है. मेरे माता पिता भी तुम्हारी इस उपलब्धि से बहुत खुश हैं. उन्होंने तुम्हें ढेर सारा प्यार और आशीर्वाद भेजा है. वे चाहते हैं कि इन छुट्टियों में तुम हमारे यहाँ आकर रहो और मुझे भी इस कला में निपुण करो. उम्मीद करता हूँ कि तुम अवश्य समय निकालोगे. मेरी ओर से चाचा जी और चाची जी को सादर प्रणाम कहना. दो, मित्र को उपहार के लिए धन्यवाद पत्र. 318, अशोक विहार, मवाना, दिनांक, प्रिय मित्र प्रेम, सप्रेम नमस्कार,
मुझे अपने जन्मदिन पर तुम्हारा अभाव खटकता रहा, लेकिन मैं तुम्हारी मजबूरी समझता हूँ। मेरे जन्मदिन पर तुमने उपहार में जो पुस्तकें भेजी हैं, वह बहुत ही आकर्षक, ज्ञानवर्धक और मनोरंजक है। ये मेरे लिए बहुत उपयोगी भी है। इसके लिए मैं तुम्हें धन्यवाद देता हूँ। मैं इन्हें सदा अपने पास संजो कर रखूँगा। अंकल आंटी को मेरा प्रणाम कहना। तुम्हारा प्रिय दोस्त आरव। तीन भाई के जन्मदिन हेतु निमंत्रण पत्र, सोहराब गेट, मेरठ। दिनांक, प्रिय महोदय, मेरे विनय चिरंजीव स्नेहिल का 7वां जन्मदिन को है। इस खुशी के अवसर पर हमने एक प्रीति भोज का आयोजन किया है, जिसमें आप सपरिवार सादर आमंत्रित हैं। समयानुसार पधारकर आशीर्वाद से अनुग्रहित करें। कार्यक्रम आशीर्वचन सायं 5:30 बजे, प्रीति भोज सायं 8:30 बजे। विनीत कोमल। ख प्रार्थना पत्र। एक अवकाश के लिए प्रधानाचार्य को प्रार्थना पत्र। सेवा में श्रीमान प्रधानाचार्य महोदय, शहीद मंगल पांडे इंटर कॉलेज, माधवपुरम, मेरठ। मान्यवर सविनय, निवेदन इस प्रकार है कि परसों मेरी बहन को देखने के लिए लड़के वाले आ रहे हैं। घर पर बहुत से मेहमान भी आ रहे हैं, जिससे मैं घर के कार्यों में अत्यधिक व्यस्त रहूंगा। इस व्यस्तता के कारण मैं दिनांक को विद्यालय आने में असमर्थ रहूंगा, अतः आप एक दिन का अवकाश प्रदान करने की कृपा करें। आपका आज्ञाकारी शिष्य राहुल गुप्त। कक्षा 7। दिनांक 2। प्रधानाचार्य को स्थानांतरण प्रमाण पत्र के लिए प्रार्थना पत्र। सेवा में श्रीमान प्रधानाचार्य महोदय, विषय स्थानांतरण प्रमाण पत्र के लिए प्रार्थना पत्र। मान्यवर सविनय, निवेदन है कि मेरे पिताजी का स्थानांतरण गुजरात हो गया है, इसलिए हमारा पूरा परिवार अब गुजरात ही चला जाएगा। मुझे भी वही किसी स्कूल में प्रवेश लेना पड़ेगा। इसके लिए मुझे स्थानांतरण प्रमाण पत्र की आवश्यकता है। कृपया मुझे स्थानांतरण प्रमाण पत्र देकर कृतार्थ करें। आपकी अति कृपा होगी। सधन्यवाद। आपका आज्ञाकारी शिष्य अवि वर्मा। कक्षा 7B। दिनांक 3। प्रधानाचार्य को छात्रवृत्ति हेतु प्रार्थना पत्र। सेवा में प्रधानाचार्य महोदय, इंदिरा गांधी बाल सेवा सदन, पीढ़ागढ़। माननीय महोदय, आपसे निवेदन है कि मैं आपके विद्यालय की कक्षा 7 का छात्र हूँ। 5वीं कक्षा की वार्षिक परीक्षा में मैंने 90 अंक प्राप्त किए थे। गत विद्यालय की 6ठी कक्षा में मुझे सर्वाधिक अंक प्राप्त करने का सौभाग्य मिला था। सूचना पट के अनुसार 6ठी कक्षा में सर्वाधिक अंक प्राप्त करने वाले छात्र को छात्रवृत्ति प्रदान की जाती है, अतः मैं इसके हेतु योग्य पात्र हूँ। इसके अतिरिक्त मैं विद्यालय की क्रिकेट टीम का सदस्य हूँ। मैं इस खेल में नियमित रूप से भाग लेता हूँ। आशा है मेरे प्रार्थना पत्र पर सहानुभूति पूर्वक विचार किया जाएगा। मैं आपका आभारी रहूँगा। आपका आज्ञाकारी शिष्य वासुदेव। कक्षा 7। दिनांक ग सार्वजनिक पत्र। संक्रामक रोगों की रोकथाम के लिए चिकित्साधिकारी को पत्र। सेवा में श्रीमान मुख्य चिकित्साधिकारी, मेरठ। मान्यवर निवेदन इस प्रकार है कि हमारे मोहल्ले ब्रह्मपुरी में आजकल मलेरिया और हैजा आदि संक्रामक रोगों का अत्यधिक प्रकोप है। इन भयंकर बीमारियों से अब तक 3 लोगों की मृत्यु हो चुकी है और अनेक लोग विभिन्न चिकित्सालयों में अपना इलाज करा रहे हैं। सूचना दिए जाने पर भी कोई स्वास्थ्य कर्मी यहाँ नहीं आया है, अतः आपसे अनुरोध है कि योग्य चिकित्सकों की एक टीम से मोहल्ले के सभी लोगों का स्वास्थ्य परीक्षण कराएं और उन्हें आवश्यक दवाइयाँ उपलब्ध कराकर मोहल्ला वासियों को इन रोगों से मुक्ति दिलाने की कृपा करें।
भव दिए वरूप मखीजा एवं समस्त मोहल्ला वासी भूमिया पुल मेरठ दिनांक। लाइक शेयर एंड सब्सक्राइब।